मंदसौर में किसानों के आंदोलन के बाद अब ऐसा लगता है कि किसानों के बीच चिंगारी की आग लग चुकी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले शुक्रवार को 22 राज्यों के किसान अपने अपने यहां 3-3 घंटे हाईवे को रोककर प्रदर्शन करेंगे और इस आंदोलन के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का वक्त तय किया गया है। संघ का कहना है कि यह आंदोलन सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ा सांकेतिक आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश में 6 किसानों की मौत के बाद किसानों ने आंदोलन छेड़ा हुआ है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के बाद मामला और भी गर्मा गया है। खास तौर पर मंदसौर मामले को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। संघ की कोर टीम के सदस्य विनोद आनंद का कहना है कि इस आंदोलन से दिल्ली को मुक्त रखा जाएगा। मंच से 62 किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। उससे जुड़े लोग 73 हाईवे को जाम करेंगे। इस आंदोलन की रणनीति 10 जून को तय की गई थी। हालांकि किसान आगे की रणनीति बनाने के लिए 19 जून को फिर संघ की एक बैठक होगी। कक्का जी का कहना है कि सरकार लागत के आधार पर लाभकारी समर्थन मूल्य का निर्धारण करे, जो कि लागत मूल्य का 50% तक हो। कर्ज माफी को लेकर यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि किसानों ने कोई अपराध नहीं किया है। जो माफी की बात की जा रही है, बल्कि किसानों को ऋण से मुक्त दी जाए, किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिले, यह किसानों की प्राथमिक मांग है। अमित, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।